तो ये कंप्लीट रेडी हो चुका है। इस तरह देखो पूरा डेंट पेंट के साथ हैवी थी। हाँ। जो भाई चला रहे थे और ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब बहुत ज्यादा पिए हुए थे और गाड़ी चला रहे थे। अच्छा। खत्म हो गई सारी लाइटें, बोनट, बंपर, चिमटे, एक सर राइड का खत्म हो गया था, पूरा हो गया था, शीशा वगैरह टूट गया। देखिए सेकंड से जो पहले मेरे पुराना गाड़ी था एडजस्टमेंट कराया मैंने, नया लगा दिया, पुराना लगा के इंजन वगैरह फट गया, देखिए यहाँ फट गया, चैम्बर पूरा फट गया है, लीकेज हो गया पूरा, इंजन ऑयल सब गिर गया। ठीक है, सामने पूरा देखिए चेचिस वगैरह सब बैंड हो गया, चारों तरफ एक्सल वगैरह सब टूट गया है। मोटा मोटा इस गाड़ी के अंदर लाख रुपए खर्चे इन्होंने बना दिए। बाकी इसमें बम्पर से लेकर लाइटें वाइटें ग्रीन बिल जितना है सभी ओरिजिनल आया है, सब नेट वाला है। और रेडिएटर जो है कंडेंसर और कंप्रेसर ये सीकंड मायापुर से आया है और बोनट भी मायापुर से आया है। बैंड है पूरी इधर आ गया, सब कुछ खत्म है। तो ये देख सकते हो सारा, ये सारा सामान निकाल रखा है, इसी का ही है सारा कुछ। रेडिएटर वगैरह सब खत्म, पर कंडेंसर वगैरह देखिए, ये देखो ये भी आपके सारा काम करा के अलाइनमेंट बैलेंसिंग गाड़ी की वॉश कराया है, गाड़ी डे क्लीन करा के बिल्कुल रेडी कर गाड़ी देते हैं। तो देख सकते हो आप नया सारा कुछ लगा रखा है और आपको दिखाते हैं गाड़ी अंदर से पूरा वॉश किया हुआ है, चमका रखा है। तो ये है गाड़ी मारुति सुजुकी डिजायर और ये है टैक्सी गाड़ी और ये एक्सीडेंट हो रखा है। तो संजय जी बताइए क्या 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 कांड है इस गाड़ी का? ये गाड़ी हैवी भी थी। हाँ। जो भाई चला रहे थे और ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब बहुत ज़्यादा पिए हुए थे और गाड़ी चला रहे थे। अच्छा। तो आगे मैं यही कहूँगा लोगों से कि जो भी मेरे भाई हैं या जो भी हैं ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं। ओके। अगर आप ड्रिंक कर रखे तो गाड़ी बेशक आप एक दो घंटा खड़ी कर दें, जो कि इन्होंने ड्रिंक ड्राइव पे गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी लग गई इनको पता नहीं है और वहीं पे रह गए। अब जाके बाद में पता चला तो गाड़ी आई है और पूरी गाड़ी देखी, क्योंकि इंजन के ब्लॉक लोग सब फाड़ दिया है। अच्छा जी। और प्लस गाड़ी का इंश्योरेंस भी खत्म पड़ा इनके। अच्छा। जो कि इंश्योरेंस हो इंश्योरेंस में करा दे क्लेम में, अब इंश्योरेंस नहीं तो कैश में कराएंगे। अच्छा। अब इस गाड़ी को जब ये सब देख रहे हैं तो लाखों रुपये खर्चा आ रहा है, फिर इस गाड़ी क्या कर रहे हैं, हम जो सामान सारा मायापुरी से मायापुर सेकंड हैंड मायापुरी सामान ला रहे हैं, जो गाड़ियों का कटा हुआ होता है एक एक सामान ला के सब तैयार करेंगे, जो ये गाड़ी हम 30 से 35 हज़ार में पूरी गाड़ी तैयार कर देंगे। 30 से 35 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 तक 40 हज़ार में गाड़ी रेडी करके दे देंगे इनको। और टाइम हम इनसे लिए 10 से 15 दिन का टाइम लिए हमें, 10 से 15 दिन हद मार के 10 दिन, लास्ट 10 दिन बोला मैंने, 10 दिन में गाड़ी दे दूंगा। गाड़ी देखिए चेसी वगैरह बैंड है पूरी इधर आ गया, सब कुछ खत्म है। तो ये देख सकते हो सारा, ये सारा सामान निकाल रखा है, इसी का ही है सारा कुछ। रेडिएटर वगैरह सब खत्म, पर कंडेंसर वगैरह देखिए, ये देखो ये भी वो है कंप्रेसर है, ये देखो ये भी पूरा बेकार हो रखा है, प्लस ये कंडेंसर रेडिएटर है, ये भी सारा बेकार हो रखा है पूरी तरह से, फैन है रेडिएटर फैन वगैरह सब टूट गए, अरे टूट गए। तो ये सारा कुछ मायापुरी से आएगा, स्क्रैप वाले से ना, स्क्रैप वाला या फिर वो मायापुरी वाले बेचते हैं लाएंगे। तो कौन जाएंगे, वही लाएंगे खुद ही या फिर नहीं, हम खुद लाके तैयार करेंगे। अच्छा, खुद लाके तैयार करेंगे। तो एक मायापुरी का भी वीडियो आएगा संजय जी के साथ, मैं इनके साथ चलूंगा मायापुरी, वहाँ सेकंड हैंड मार्केट दिखाएंगे आपको क्या क्या रेट में मिलता है सारा कुछ। तो ये देखिए तो गाड़ी का कंडीशन ऐसा है और आपको धीरे धीरे माउंटिंग देखिए टूट गया, इंजन की माउंटिंग टूटी हुई है पूरी, एक चेसिस बैंड है जो चेसिस सीधा यहाँ हिस्सा होता है, एक बैंड होगा इस तरफ आ गया, ये जो हिस्सा है आपका यहाँ होता है ये भी मुड़ गया पूरा, ये भी मुड़ गया। और देखिए फिल्टर वगैरह टूट गया, सारा टूट गया, लाइटें वगैरह सब खत्म है, इंजन की देखिए राइट हैंड की माउंटिंग जो पेमेंट का टूट गया, इंजन ब्लॉक वगैरह सब फट गया इसका, बोनट भी पूरा टूट गया, वो बोनट भी पूरा टूट गया, एयर बैग भी डैमेज हो गया, एयर बैग भी खुल गया इसकी गाड़ी के। अच्छा जी। तो ये है, धीरे धीरे आपको दिखाएंगे किस तरह काम चल रहा है, बीच बीच में लाइक हम बताएंगे क्या क्या सामान लग गया है इसमें, 10 दिन के बाद ये गाड़ी रेडी होगा तो ये वीडियो आपके सामने दिखाएंगे, गाड़ी का कंडीशन अब कैसा है और बाद में कैसा है सारा कुछ आपको दिखाएंगे। एक सेंट आपकी डीआर शिफ्ट डीआर की 7 प्लेट है जो सर के पास से लिया हमने मायापुरी में, और ये ब्रेक बूस्टर है कंप्लीट मारुति से। क्या क्या है ब्रेक बूस्टर? अच्छा। और प्लस एक चैम्बर है, ये चैम्बर है क्या चीज का चैम्बर है? ऑयल का, इंजन का। हाँ। अच्छा। गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, चैम्बर वगैरह फट गया था, जैसे बूस्टर भी पचक गया और ये क्या चैम्बर फट गया, टेमिन बोर्ड फट गया, ये सारा सामान यहाँ से लेके तैयार कर रहे हैं गाड़ी को। अच्छा। जो तो पीछे है शॉप देख सकते हो, काफी सामान रखा हुआ है और 3-4 गोदाम हो रहे हैं इनके पास, 3-4 गोदाम हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये गाड़ी हो रही है रिपेयर, अभी डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, बाकी सारा इंजन का हो गया है ऑलमोस्ट, देख सकते हो 7808 टैक्सी नंबर है
और ये एक्सीडेंटल आया था, काफ़ी आगे से पूरा एक्सीडेंट था गाड़ी, उसका वीडियो आपको दिख रहा होगा। तो ये कंप्लीट रेडी हो चुका है, इस तरह देखो पूरा डेंट पेंट के साथ, पूरा आगे का वर्क और नया शीशा सारा कुछ लगा। एक बार उस्ताद जी से बात करते हैं, क्या खर्चा आया, क्या क्या है, किस तरह उन्होंने किया। सर नमस्कार भाई, राम राम सभी भाइयों को, राम राम भाई। ये गाड़ी है, गाड़ी अभी से पहले हमने फूट डाला था, इसके अंदर गाड़ी थी, आगे ख़त्म हो गई सारी लाइटें, बोनट, बम्पर, चिमटे, एक सर राइड का खत्म हो गया था, पूरा हो गया था, शीशा वगैरह टूट गया। देखिए सेकंड शीशा जो पहले मेरे पुराना गाड़ी में था, देखिए चेंज कराया मैंने, नया लगा दिया, तो पुराना ही रखा हुआ है। अच्छा, और बाकी सामान तो अंदर रखा हुआ है। अच्छा, तो इसका बोनट खोल के दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो हमने बोनट खोल दिया है, बोनट देखो आप देख सकते हो किस तरह से काम किया है, एज ए जैसे नया गाड़ी आता है उसी तरह लग रहा है पूरा। इसका ये सब हिस्सा खत्म हो गया था, कंप्रेसर भी खत्म हो गए थे, लाइटें वगैरह जितनी भी है, चेंबर फट गया था गाड़ी का, साइड की प्लेट फट गया था, पीछे की छोटी बॉडी वगैरह टूट गया था इसका, मतलब बहुत सारा चीज नुकसान हुआ था गाड़ी के अंदर। अच्छा, जिसमें टोटली सामान डला है और गाड़ी हमने बिल्कुल तैयार किया है, गाड़ी में कुछ 0-0 तैयार कर रखा हमने। अच्छा, और कस्टमर ने भी बोल दिया हाँ गाड़ी बहुत अच्छी तैयार की आपने। अच्छा, तो लगभग हमने कस्टमर से 15 दिन टाइम लिया था, जो गाड़ी इनकी मैंने 14 दिन में रेडी कर दिया है। 14 दिन। अच्छा, तो लगभग कितने का खर्चा आ गया होगा? सर मोटा मोटा इसमें सारा सामान करीब नया डाला हमने, नया भी है, बाकी इसमें बम्पर से लेकर लाइटें वाइटें ग्रीन बिल जितना है सभी ओरिजिनल लाया है, सब नया डाला है, और रेडिएटर जो है, कंडेंसर और कंप्रेसर ये सेकंड मायापुर से आया है, और बोनट भी मायापुर से आया है, जो कि सील्ड पैक है। हाँ हाँ, ये बहुत सारा सामान, आधा सामान नया, आधा सामान मायापुरी का, मायापुरी। हाँ जी, और गाड़ी बिल्कुल तैयार करके गाड़ी करीब 60,000 का खर्चे आए हैं। 60,000। हाँ, और बिल्कुल खत्म हो गई थी, आगे से इंजन उंजन भी चिम्बों में तब फट गया था ये। हाँ, चेचिस भी बैंड था नीचे। अच्छा, स्टेयरिंग भी टूट गया था। अच्छा, वो भी डाला हमने, और कोई तरह का नाम है, आपको सारा काम करा के अलाइनमेंट बैलेंसिंग, गाड़ी की वॉश कराया है, गाड़ी डे क्लीन करा के बिल्कुल रेडी कर गाड़ी देते हैं। तो देख सकते हो आप नया सारा कुछ लगा रखा है, और आपको दिखाते हैं गाड़ी अंदर से पूरा वॉश किया हुआ है, चमका रखा है। तो ये था हमारा स्विफ्ट डिजायर टैक्सी नंबर 2019 मॉडल, एक्सीडेंटल गाड़ी था, आपको वीडियो दिख रहा होगा किस तरह एक्सीडेंट आया था। और चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हो सके वीडियो को लाइक कीजिए।